नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंशव का यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको पेटीज बना करके दिखाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पेटीज का डो किस तरीके से नीड किया जाता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताएंगे कि इस तरह की पेटीज बनाने के लिए पेटीज की जो अंदर की लेयर्स होती हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी लेयर्स आई हुई हैं, ये लेयर्स किस तरीके से आती है। आलू पेटीज हो या फिर पनीर पेटी, उसका डो, उसका प्रोसेस और उसके अंदर कितने परसेंट तक का प्रॉफिट आता है, तो इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हम आपको मैदा गूंथ के दिखा रहे हैं। ये जो मैदा नीड हो रहा है, ये स्पाइरल मिक्सर के अंदर नीड हो रहा है। अभी हमने इसके अंदर डाला है मैदा, पानी, घी और नमक। अब हमारी डो नीडिंग स्टार्ट हो रही है। ये जो डो हम नीड कर रहे हैं, ये स्पाइरल मिक्सर में कर रहे हैं। आप चाहें तो स्पाइरल मिक्सर की जगह डबल आर्म मिक्सर में भी या फिर क्रॉस मिक्सर में भी इस डो को नीड कर सकते हैं। कुछ लोग जो कम मात्रा में पेटी बनाते हैं, वो प्लानिटरी मिक्सर में भी अपना डो लगाते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट तक नीड करने के बाद हमारा पेटीज का डो नीड हो जाता है। उस नीडेड डो को हम अपने इस डो शीटर के ऊपर लाएंगे और इस डो शीटर के थ्रू हम उस डो को बेल करके दिखाएंगे, और साथ ही साथ हम आपको काउंट करके भी बताएंगे कि पेटीज के अंदर कितनी लेयर आती हैं और कैसे आती हैं। तो अब हम अपना ये जो डो हमारा नीड हो गया है, अब हम इसको 4-4 केजी के बराबर भागों में बांट रहे हैं ताकि डो को अच्छे से और आसानी से बेला जा सके। अब हम ये डो आपको डो शीटर से बेल के दिखा रहे हैं। बेलने के दौरान हम मैदा की परतों के बीच में घी को लगाएंगे ताकि पैटी की लेयर अच्छे से आ सके। हमने डो को 3 बार करके 3-3 के लेयर में फोल्ड किया हुआ है। इसे डो में 27 लेयर आ गई हैं। ये लेयर ओवन में पकने के बाद बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगी। लगभग 3 बारी फोल्ड करने के बाद अब हमें इसको कम से कम 30 से 40 मिनट तक रेस्ट कराना होगा। चाहें तो अपना डो हाथ से भी लगा सकते हैं इस रोलिंग पिन की हेल्प से। अगर आप डो शीटर से अपना डो बेलते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइट घी चाहिए होता है, थोड़ा सा हार्ड। और अगर आप ऐसे रोलिंग पिन की मदद से अपने डो को हाथ से बेलते हैं तो उसके लिए आपको इस तरीके से अपने घी को थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा ताकि वो आसानी से बेला जा सके। हाथ से मथने के बाद में आपका घी सॉफ्ट हो जाता है, और ऐसे आपको अपना घी अपने डो के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि घी आपके डो की चारों लेयर्स पे, मतलब चारों कोनों में सही से स्प्रेड हो। हाथ से लगाने में भी हम इसी तरह से 3 बार करके 3-3 के लेयर में फोल्डिंग करते हैं, और हम ऐसे इसलिए करते हैं ताकि डो शीटर की या हाथ से बेलने की लेयर में कोई बदलाव ना आ जाए। अब हमारी पेटी का डो एकदम से बिल के तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसके छोटे छोटे और बराबर टुकड़े काट के दिखाऊंगी, और उसके बाद पेटी की जो हमने फिलिंग रेडी करी है पनीर की और आलू की, वो फिलिंग मैं आपको इसमें भर के दिखाऊंगी। ये जो हमने लकड़ी का फट्टा लिया हुआ है, ये हमने एक
पेटी के साइज़ के हिसाब से बराबर काट के बनाया हुआ है, ताकि जो हमें जितनी भी पेटी बनानी है उसके लिए हमें बार बार पेटी को काटने में ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। अब हम अपनी पेटी में पानी छिड़क रहे हैं ताकि मोड़ने पर इसकी जो फिलिंग, जो सब्जी वाली फिलिंग की हुई है वो बाहर ना आ जाए और पेटी अच्छे से सेट हो जाए। जो हमारी पेटी की फिलिंग होती है वो आलू की हो या फिर पनीर की हो, वो एकदम से सूखी सब्जी जैसी फिलिंग होती है, करीब करीब ऐसी फिलिंग होती है जैसे हम समोसे में आलू की फिलिंग यूज़ करते हैं। सब्जी की फिलिंग भरना बहुत आसान होता है, वो चाहे फिर आलू की हो या फिर पनीर की हो, दोनों को भरने का काम एक जैसा ही होता है। आमतौर पर पेटी की जो फिलिंग होती है उसको सीधा फोल्ड करते हैं जिससे ये चौकोर बनती हैं। आप चाहें तो इसको कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, चौकोर में या फिर सीधे में या फिर ट्रायंगल शेप में। हमें हमारे बेकरी चलाने वाले कुछ कस्टमर्स ने बताया है कि पनीर की पेटी को सेल करने पे 2 से 3 रुपए तक का मार्जिन आता है, वहीं पे अगर आप आलू की पेटी सेल करते हैं तो उसमें 1 से 2 रुपए तक का मार्जिन मिलता है पर पीस पे। अब मैं आपको आलू की पेटी फोल्ड करके दिखा रही हूँ। आलू की पेटी आमतौर पर त्रिकोण आकार में मोड़ी जाती है, आप चाहें तो इसको सीधा भी मोड़ सकते हैं जैसे हमने पनीर की पेटी को मोड़ा है। इसके बाद हम अपनी पेटी जो हमारी बनके तैयार हुई है वो हम 1 by 1 अपने ओवन की ट्रे में रखेंगे। अब हम इस पर कच्चा दूध लगा रहे हैं जिससे पेटी सूखती नहीं है जल्दी से, और जो पेटी बेक होती है वो बेकिंग के बाद उस पर शाइन भी बहुत अच्छी आती है। पकाने से पहले आप अच्छे स्वाद और गार्निशिंग के लिए तिल या फिर अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद माल को ट्रॉली में लगाकर ओवन का टेम्परेचर सेट किया जाता है। प्री हीट टेम्परेचर जो हम सेट करते हैं वो 190 डिग्री पर करते हैं और ओवन को प्री हीट करने के लिए छोड़ देते हैं। हम इस वीडियो में 44 ट्रे का ओवन यूज़ कर रहे हैं, तो इस ओवन में लगभग 400 से 500 पेटी एक बार में पकाई जा सकती है। ओवन का टेम्परेचर आने के बाद हम अपनी ट्रॉली को ओवन में बेकिंग के लिए लगाएंगे। और फिर बेकिंग स्टार्ट कर देंगे। हमें लगभग 35 से 40 मिनट तक अपनी पेटी को पकाना होता है। आप देख सकते हैं हमारी पेटी कितने अच्छे से पक गई है और इसका एक बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब ये पेटी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसकी सारी लेयर भी बहुत अच्छे से उभर उभर के आई है।